हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई एम प्रोफेसर गुणवन जैन आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर जे एंड नीट फॉर ऑलमोस्ट ट्वेल्व प्लस इयर्स तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर कोर्स चालू करना चाह रहा हूँ वेयर आई विल बी टचिंग अपॉन ऑल द की कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर इन एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स कम फ्राम ठीक है तो लेट इस्टार्ट फॉर टुडेज वीडियो िल स्टार्ट विथ कानामेटिक्स कानामेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग <coughs> या फील ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स ठीक है जैसे मान लो अगर आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के हर कोरिलेशन की फील है तो आप किसी भी कानामेटिक्स क्वेश्चन को अच्छे से देख के समझ जाओगे और कई सारे क्वेश्चन तो ओरल भी हो जाएंगे ठीक है तो चलो चालू करते हैं uh, सबसे पहले हम लोग वेलासिटी को समझते हैं वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर एवरी सेकेंड अगर मेरा वेलोसिटी टू है तो एवरी सेकेंड मैं दो मीटर आगे जाऊंगा तो आप देखो फर्स्ट सेकेंड में टू मीटर सेकेंड सेकेंड में फोर मीटर थर्ड सेकेंड में सिक्स मीटर और फोर्थ सेकेंड में एट मीटर तो इस तरीके से वेलोसिटी का मतलब है फिक्स अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस सिमिलरली अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो फिक्स अमाउंट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ठीक है तो यहीं पे अगर मैं वेलोसिटी को ले लूं माइनस थ्री इसका मतलब इनिशियल पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में थ्री फिर नेगेटिव डायरेक्शन में थ्री फिर नेगेटिव डायरेक्शन में थ्री तो फर्स्ट सेकेंड में थ्री सेकेंड सेकेंड में सिक्स और थर्ड सेकेंड में नाइन मीटर पीछे जा रही गाड़ी ठीक है अब समझते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड तभी तो उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जाता है है ना मान लो अगर आपको मैंने एक्सेलरेशन दे दिया एक्सेलरेशन इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है बाय द फैक्टर ऑफ टू जैसे अभी वेलोसिटी मान लेते हैं थ्री मीटर पर सेकेंड है एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव मीटर पर सेकेंड उसके एक के बाद कितना हो जाएगा सेवन मीटर पर सेकेंड सिमिलरली अगर आपको मैं एक्सेलरेशन नेगेटिव दे दूं तो इनिशियली अगर थ्री मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा माइनस टू यानी वन मीटर पर सेकेंड उसके एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा माइनस वन मीटर पर सेकेंड है ना तो समझो वेलोसिटी का मतलब इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जाएगा अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता जाएगा सिमिलरली एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करते चली जाएगी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज करते चली जाएगी ठीक है अब इसी के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल सवाल लेते हैं मान लो मैंने आपको दे दिया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज लेट्स से सेवन मीटर पर सेकेंड और गाड़ी ने रिटार्डेशन अप्लाई किया आई रिपीट गाड़ी ने रिटार्डेशन अप्लाई किया रिटार्डेशन इज लेट से थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद है ना रिटार्डेशन अगर थ्री है तो एक्सेलरेशन माइनस थ्री होता है तो चलो चालू करते हैं इनिशियल पे इतना एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा थ्री हटा दो उसमें फोर मीटर पर सेकेंड उसके एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा वन मीटर पर सेकेंड अब अगर ब्रेक लगाया है तो स्टॉप हो जाएगी आफ्टर वन बाय थ्री सेकेंड क्योंकि एक सेकेंड में तीन कम कर रहा है अपने को वन के बाद वन ही कम करना है तो वन थर्ड सेकेंड बट अगर रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन की कैसे पता है कहानी क्या हो जाती है ये वन मीटर और तीन कम हो के माइनस टू मीटर पर सेकेंड अगले सेकेंड के बाद ये और थ्री कम हो के माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड और ऐसे केस में कार Takes a U -turn. तो कई सारे सवाल अपने यूटर्न पे बिलोंग करते हैं कि इक्वेशन दे है बताओ यूटर्न कब मारेगा यूटर्न का बहुत ही सिंपल फंडा है को जीरो कर दो क्यों करते हैं ऐसा देखो पहले पॉजिटिव वेलोसिटी थी फिर पल्टी मार्केट नेगेटिव होगी तो बीच में जीरो हुई थी ना पहले नेगेटिव वेलॉसिटी है बाद में पल्टी मार्के पॉजिटिव हो गई तो वापस जीरो हुई थी ना तो जब जब कार को यू टर्न मारना है कार ही क्यों मोशन ग्रेविटी ले लो मोशन ग्रेविटी में स्टोन ऊपर जाके यू टर्न मारता है ना तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो ठीक तो है तो डिफरेंस समझ में रिटार्डेशन है कंटिन्यू होते जाता है यू टर्न मारती है गाड़ी ब्रेक में गाड़ी रुक जाती है ठीक तो है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं कंसेप्चुअल वाला कैन वी हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन सॉरी इफ द एक्सेरेशन इज पॉजिटिव क्या इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है कंपल्सरीली डू यू थिंक नो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है हो सकता है ना कि वेलोसिटी माइनस फाइव है और आपका एक्सेलरेशन प्लस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक सेकेंड के बाद वो माइनस थ्री हो जाएगा फिर माइनस वन हो जाएगा फिर प्लस वन हो जाएगा सो एक्सेलरेशन सिर्फ ये बताता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है सिमिलरली अगला क्वेश्चन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो क्या डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव होना जरूरी है नहीं बिकॉज मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है आपकी जो कार है पहले वो पीछे गई थी और अब पलटी मार के आगे आ रही है तो इस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी कितनी है पॉजिटिव बट अगर आप देखने जाओ तो डिस्प्लेसमेंट तो पीछे की तरफ है ना तो आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ठीक है स्टूडेंट्स सो ये वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अगले वीडियो में विल टेक अबाउट यूनिफॉर्म एक्सलोरेशन के क्वेश्चन ठीक है सी यू गाइज